अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादनुस में आप सभी का खैर मकदम। इसके आगे आपको हर रोज़ मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ ना कुछ खबर आती रहेगी। वैसे तो हमने पहले भी कहा था कि लिहाजा अब इसमें इजाफा होता जा रहा है। ज़ाहिर है मुल्क में डर खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है। रमज़ान महीना अनकरीब है। मुस्लिम समाज खरीदो फरोख्त सैर इफ्तारी की तैयारी में अभी से मशगूल हो चुका है। तो फिरका परस्त हर रोज़ किसी न किसी साजिश को अंजाम देते रहते हैं। मुल्क में सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ भी बोलना ही नहीं है। अंधभक्तों को ये भी खुशखबरी सुनाता चलूं कि पेट्रोल के दाम 80 पैसे और बढ़ चुके हैं तो घरेलू गैस 50 रुपए महंगा हो चुका है। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स मुफ्त में जो वाजपेयी की जानिब से दिखाई जा रही है, अब तो मामला आगे बढ़कर स्कूली बच्चों तक पहुंच चुका है। इस साजिश को समझने की कोशिश करें। स्कूल बच्चे जहां तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनके मासूम जहनों पर मुल्क के माशरे का मुस्तकबिल संवारने की तहरीर लिखी जाती है, वहां अब कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत को नक्श किया जा रहा है और अब इसका असर दिखने भी लगा है। हासिल इत्तला के मुताबिक दिल्ली की सौम्या कहती है, जो ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि कश्मीर फाइल्स बनाने वालों को मुबारकबाद, अब नफरत का जहर स्कूली बच्चों तक पहुंच गया है। कई स्कूलों में हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों को मारने काटने की बात करते हुए देखा जा रहा है। मतलब इस फिल्म को बनाने का मकसद पूरा होता नजर आ रहा है और नस्ल कुशी को इसी तरह अंजाम दिया जाता है। अगर आपको याद दिलाता चलूं तो रवांडा में इसी तरह एक नैरेटिव चलाकर जेनोसाइड किया गया था और इसके बाद म्यांमार में भी सभी ने देखा है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर किस तरह मजालिम ढाए गए। अब जब संघीय विचारधारा के लोग इख्तदार में आए हुए हैं तो इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और हर रोज नैरेटिव बनाया जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है। और अब इसमें रियासत कर्नाटक भी पेश पेश है, जिस बसवराज बोम्मई को जेडीएस और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से होने का इत्मीनान सभी को था, कैसे ओहदा इख्तदार इंसान को अपने उसूल बदलने पर भी मजबूर कर देता है। अब तो चारों तरफ यही नफरती माहौल देखा जा रहा है। खैर, जहां संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान की हिफाजत के लिए अगर फिरका परस्तों को बेनकाब करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस इंतजामिया के जानिब से दबाव बनाकर धमकाने की कोशिश भी जारी रहती है। लेकिन अब जब स्कूली बच्चों तक मुफ्त फिल्म दिखाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं, इनके आगे पीछे यही मुंह का घूमता नजर आता रहता है। खैर, कर्नाटक में तो और भी मुस्लिम समाज पर ज्यादती करते हुए देखा जा रहा है। जो गरीब मेलों में खिलौने बेचकर गुजारा करते हैं, अब इनकी रोजी रोटी पर भी पाबंदी लाने की कोशिश की जा रही है और इसे छीनने का ऐलान किया गया। सही सुना आपने, मेले यात्राओं में अक्सर मुस्लिम गरीब तबके के लोग किसी तरह खिलौने बेचकर गुजारा करते हैं, अब इन्हें किसी तरह का ठेला लगाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कर्नाटक में हिंदू तंजीमों की जानिब से फरमान निकाला गया। हाल ही में शिमोगा उत्सव के मौके पर कोटे मरिकम्बा यात्रा में मुसलमानों को किसी तरह दुकान न लगाने का ऐलान हिंदू तंजीम बजरंग दल RSS VHP की जानिब से किया जाने की इत्तला हासिल हुई है। मुसलमानों के खिलाफ रोजाना इस तरह जमीन तंग करने की वारदातें हासिल तो हो रही है, लेकिन मुस्लिम समाज गाफिल नजर आ रहा है। जिस संविधान ने हमें बोलने की आवाज उठाने की इजाजत दी है, ऐसे वक्त में हम खामोश रहते हैं और वक्त निकल जाने के बाद बंद का ऐलान करने लगते हैं। इसे माशरे की बेहिसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब मुसलमान अदालती कार्रवाई करेंगे या फिर अगली मुसीबत का इंतजार करेंगे? और अब तो किसी मामले के लिए बहुत दिन तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हर रोज एक नया शगुफा नया मसला खड़ा रहता है। जिस तरह मुसलमानों को अब मेलों में भी ठेला लगाने से रोकना और इस पर तमाम लोगों की खामोशी क्या कहती है। एक और इत्तला के मुताबिक अब मुख्तलिफ जगहों पर जहां लोग ठेला झूला या खाने की या चाय की छोटी होटल लगाते हैं, इन्हें सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रोकना किस हैवानियत का मुजारा कह सकते हैं। यकीनन हिजाब मामला अदालत के जेर निगरानी रहा और फैसला हिजाब न पहनने के हक में दिया गया, अब फिर से इसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया। लेकिन इस फैसले से नाराज मुस्लिम तंजीम उलमाओं ने रियासत बंद का ऐलान किया और सभी मुसलमानों ने इसे बंद भी किया। लिहाजा इसे ही बहाना बनाकर हिंदू तंजीमों ने शिमोगा कोटे मरिकम्बा यात्रा में मुसलमानों को किसी तरह की दुकान न लगाने का ऐलान किया और कहा कि कुछ लोगों ने अदालत का फैसला मुसलमानों ने न माना पर इस तरह का फरमान जारी किया जाए। अब इस मामले को हिजाब के फैसले का कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन जिस समाज में इतनी नफरत भरी हुई हो और अब तो मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर फाइल्स के जरिए स्कूली बच्चों में भी नफरत भरने में कामयाब हो गए हो, क्या कहा जाए। हिजाब मामले के बाद कुछ मुसलमान अपने इदारे स्कूल बनाने की बातें तो कर रहे हैं, पर क्या मुस्लिम इदारों पर सख्तियां आयद नहीं की जाएंगी इन हुकूमतों की जानिब से? और वैसे भी मुस्लिम इदारों में कुछ एक को छोड़कर अक्सर तो इन्हें तिजारत का मरकज ही बना दिया है। स्कूली इदारे हो या अस्पताल, शुरुआत तो
इल्म हासिल करने की बात कहते हुए आईएएस आईपीएस बनाने की बात शुरू होती है, लेकिन बाद में अपने मकसद से हटते हुए दिखाई देते हैं। खैर, अब इन तमाम पर बहस का वक्त नहीं है। जो भी इदारा तंजीम तालीमी मैदान में इस्लामी तालीमात के साथ शुरू करना चाहता है या शुरू है, इन्हें हम सभी को ताउन करने की जरूरत है। और अगर ऐसे वक्त में भी जिन्हें पैसे कमाने की लालच है, इन पर पूरे माशरे की तरफ से कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर, अब असल मसले की तरफ रुख करते हैं। किस तरह मुसलमानों के गले पर तलवार लटकी हुई है, बस चलाने की जरूरत है, सभी जानते हैं। पर क्या वाकई माशरा कुछ समझने की ज़हनियत में है? आखिर समाज माशरा इतना बेगैरत कैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इसके बाद फैसला करें कि आखिर हमें संगी क्यों ना मारे, आखिर हम कहाँ हैं। आज भी आपसे इख्तलाफात का जहर हमारी रगों में किस इंतहा तक पैवस्त है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तमाम हजरात ये ऐलान समाज फरमाए कि जनाजे मुबारक के अंदर कोई भी वहाबी देवबंदी गुस्ताख रसूल शिरकत ना करे, वरना अगर शिरकत करता है उसकी बेइज्जती का जिम्मेदार वह खुद होगा। ये मुबारक जनाजे शरीफ के अंदर कोई भी वहाबी देवबंदी शिरकत ना करे। अब इसे क्या कहा जाए? अभी भी आप अगर बरेली देवबंदी वहाबी के चक्कर में है तो इसमें तुम्हें सुकून मिल रहा है तो आप अपनी गर्दन जुबा गांव में पेश करने के काबिल ही हैं और मरना लाजिम है। और क्यों कर ऐसी कौम पर मुसीबतें नाजिल न होंगी? ये वीडियो किस शहर का है, इसके तफसीलात पेश करने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस कौम की सच्चाई है और यही सिखाया गया है। इसी तरह की नफरत देवबंदी बरेली के नाम से हमारे रगों में भर दिया गया। जितना जहर नफरत आपस में भरा गया है या फिर आपस में लड़ते वक्त लहू जोश मारता है, जब फिरका पर सामने आते हैं तो पिछवाड़े को पांव लगाकर भाग जाते हैं। लगे रहो इसी तरह से आपस में एक दूसरे को काफिर कहते अपनी नस्लों की परवरिश करना, क्योंकि तुम्हारी किस्मतों में पनाह गजीर कैंपों में ही रहना लिखा है। तो क्या कर सकते हैं, जहां कश्मीर पंडितों की बात को लेकर इतना नफरत फैला जा रहा है। अगर गुजरात मुजफ्फरनगर पनाह गजीर कैंपों की कैफियत तो देखो, आज भी सैकड़ों खानदान सैकड़ों मुसलमान फसाद के जख्मों से बाहर नहीं आए। याद रखो, आज भी समरो, इतिहाद जिंदगी और इंतजार मौत है, तुम्हारे लाशों पर रोने वाला कोई नहीं होगा अगर आज भी तुम न जागे तो। जहां कश्मीर फाइल्स के नाम पर नफरत परोसी जा रही है और अक्सर तबका नफरत को पसंद भी कर रहा है, वही दूसरी ओर चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर महंगाई की तपिश महसूस की जा रही है। 85 पैसे पेट्रोल पर इजाफा और घरेलू गैस पर 50 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, जिस पर बेलगाम में आवाम की जानिब से नाराजगी का इजहार करते हुए देखा जा रहा है। बेलगाम का कन्नड़ मराठी तनाजा वैसे तो पुराना है। जहाँ कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है, महाराष्ट्र के हुकूमत के बुजुर्ग लीडर संजय राउत ने अपने ट्वीट में बेलगाम फाइल्स नाम की फिल्म बनाकर मराठियों पर हो रहे मजालिम की कहानी बताया, ऐसा कहा है। इस ट्वीट के बाद एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। इस पर कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने नाराजगी का इजहार करते हुए बेलगाम मसला कभी का खत्म हुआ का है। वाजह रहे कि बेलगाम फाइल्स नाम का कार्टून भी इन्होंने शेयर किया है, जिसे कन्नड़ आवाम में भी नाराजगी देखी जा रही है। चिक्कोड़ी करोशी में होली के दिन दो गिरोह आपस में टकराने से तनाव का माहौल देखा गया। होली खेलने वाले दो गिरोह डीजे लगाकर नाच रहे थे, जिसमें कुछ नशे में धुत होने की भी खबर हासिल हुई। आपस में टकराया और बहस हुई, इसके बाद पुलिस ने मामले पर काबू पाया। कारपोरेशन बेलगाम में अभी तक कारपोरेटरों की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन मसले शुरू हुए हैं। एक इत्तला के मुताबिक 35 लाख रुपए का गफला किसी कारपोरेटर ने किया है और दिगर कारपोरेटरों में हिस्सेदारी का वादा भी किया था, लेकिन बाद में ठेकेदार और कारपोरेटर ने दिगर कारपोरेटरों को हिस्सा न देते हुए अपने पास ही रकम रख ली। कुछ उम्मीद लगाए कारपोरेटर हाथ कुछ न लगने से परेशान होने की भी बात कही जा रही है। इत्तला के मुताबिक सफाई ठेकेदारों से 35 लाख वसूल कर तमाम को तबरुक के तौर पर बांटने का वादा किया गया था, लेकिन ये तबरुक अब तक किसी को नहीं मिला है। लिहाजा कारपोरेशन बेलगाम में आखिर 35 लाख कहां गए की बहस जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।